बस एक बार अ रिच बट लेजी फार्मर, एक अमीर लेकिन आलसी किसान। बट का उपयोग किया जाता है ऐसे दो वाक्य या ऐसे दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो एक दूसरे से विपरीत हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी के बारे में बोलना चाहें कि वो समझदार तो है लेकिन अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो इसे हम कैसे कहेंगे? ही इज इंटेलिजेंट बट नॉट अ गुड पर्सन। तो इस वाक्य में हमने इस इंसान के बारे में दो विपरीत बातें बताई हैं कि वो समझदार तो है लेकिन अच्छा इंसान नहीं है। उसी तरह ये किसान अमीर तो था लेकिन आलसी था। अब अमीर होना तो अच्छी बात है लेकिन आलसी होना अच्छी बात नहीं है। तो ये इस किसान के बारे में दो विपरीत बातें हुई। वंस अ रिच बट लेजी फार्मर नेग्लेक्टेड हिज फील्ड्स एंड एनिमल्स। एक बार एक अमीर लेकिन आलसी किसान ने अपने खेतों और जानवरों पर ध्यान नहीं दिया। नेगलेक्ट का मतलब होता है नजरअंदाज करना, ध्यान ना देना। बिकॉज ऑफ दैट, उस कारण से ही सफर्ड, उसने झेला हैवी लॉस, भारी नुकसान। बिकॉज ऑफ दैट का मतलब होता है उसके कारण, और सफर का मतलब होता है अस्वस्थ होना, कष्ट भुगतना या झेलना, और सफर्ड सफर का सेकेंड फॉर्म है। तो उसने झेला, हैवी का मतलब होता है वजनदार या गंभीर, और लॉस का मतलब होता है घाटा या नुकसान। तो उसने आलसी होने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान झेला एंड फेल वेरी सिक, और बीमार पड़ गया। फेल सिक का मतलब होता है बीमार पड़ा। अ फ्रेंड सेड, एक दोस्त ने कहा दैट कि इफ यू सॉ अ मैजिकल व्हाइट स्वान, कि अगर तुम एक रहस्यमयी सफेद हंस देखोगे इन द नियर बाय रिवर, नजदीकी नदी में। नियर बाय मतलब होता है नजदीक या आसपास। एट डॉन, डॉन का मीनिंग होता है तड़के, अर्ली मॉर्निंग जो होती है सुबह सुबह। यू वुड लिव अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, वो जिएगा एक खुश और समृद्ध जीवन। लिव का मतलब होता है जीना, हैप्पी खुश, और प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, यानी कि सफल जीवन जिसमें पैसा खुशी सब कुछ हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द फार्मर किसान वेंट टू द रिवर, नदी की ओर गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फार्मर वेंट टू द रिवर, अगली सुबह किसान नदी की ओर गया। वेंट के बाद टू क्यों लगाया? क्योंकि टू का यूज किया जाता है डायरेक्शन या दिशा बताने के लिए कि वो नदी की ओर गया। बट लेकिन कुड नॉट सी द स्वान, लेकिन हंस को नहीं देख पाया। ही डिड सी अ मैन, उसने एक आदमी को देखा हु वॉज स्टीलिंग हिज वीट, जो उसके गेहूं चुरा रहा था। डिड का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, डिड को यहाँ पे सिर्फ इस वाक्य पे जोर देने के लिए इसको यहाँ पे लिखा है, सिर्फ इसको इस वाक्य को इम्फेसाइज करने के लिए लिखा है कि वो गया तो स्वान देखने था, लेकिन उसको कोई स्वान तो दिखा नहीं, कोई हंस तो दिखा नहीं। हाँ, लेकिन उसको एक आदमी जरूर दिखा जो उसके गेहूं चुरा रहा था। वन ऑफ द ग्रामर का एक रूल है जिसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, इसलिए यहाँ पे सर्वेंट्स लिखा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? वन ऑफ द सर्वेंट्स, मतलब कि जो वहाँ पे जितने भी सर्वेंट्स थे, मतलब उसके जितने भी नौकर थे, उनमें से एक सर्वेंट जो था वो स्टेलिंग मिल्क, वो दूध चुरा रहा था। और यहाँ पे सर्वेंट्स के बाद वॉज इसीलिए आया है क्योंकि हम सारे सर्वेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, उनमें से एक सर्वेंट की बात कर रहे हैं जो दूध चुरा रहा था। इसको हम सिंपली रीड करेंगे, वन ऑफ द सर्वेंट्स वॉज स्टेलिंग मिल्क, कि एक नौकर दूध चुरा रहा था। द मिस्ट्रिकल व्हाइट स्वान इंस्पायर्ड द फार्मर टू वेक अप अर्ली। मिस्ट्रिकल का मीनिंग होता है रहस्यमय, और इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित किया। वेक अप का मतलब होता है नींद से जागना। तो इसका मतलब हुआ कि जो रहस्यमय सफेद हंस था, उसने किसान को सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित किया। द थेफ्ट स्टॉप्ड, चोरियां रुक गईं। THEFT, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, एंड THEF, थीफ का मतलब होता है चोर। और यहाँ पे हम कई चोरियों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने थेफ्ट में एस लगाया है। द थेफ्ट स्टॉप्ड, चोरियां रुक गई, मीन्स जो चोरियां की जा रही थी वो रुक गई, वो अब नहीं हो रही थी। और वो चोरियां क्यों रुक गई? क्योंकि वो जल्दी उठने लगा, काम करने लगा, इसलिए। ही प्रॉस्पर्ड अगेन, वो फिर से समृद्ध हो गया, मतलब कि फिर से सफल हो गया, पैसे वाला हो गया। एंड बिकेम हेल्दी, और स्वस्थ हो गया। बिकम का मतलब होता है होना या बनना।
और बिकम की सेकंड फॉर्म है, तो वो स्वस्थ हो गया, ही बिकेम हेल्दी, वो स्वस्थ हो गया। व्हेन हिज फ्रेंड केम अगेन, जब उसका दोस्त फिर से आया, द फार्मर सेड, किसान ने कहा, ही हैड नॉट सीन द व्हाइट स्वान, कि उसने सफेद हंस नहीं देखा। द फ्रेंड सेड, दोस्त ने कहा, द व्हाइट स्वान वॉज ऑनेस्ट वर्क, उसके दोस्त का सफेद हंस से क्या मतलब था कि ईमानदारी से काम करो, क्योंकि ना तो वो ईमानदारी से काम कर रहा था, वो आलसी हो रहा था, ना उसके सर्वेंट्स जो उसके नौकर थे वो ईमानदारी से काम कर रहे थे, वो भी चोरियां कर रहे थे। तो उसके दोस्त का वाइट स्वान से मतलब था कि ईमानदारी से काम करो। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, फॉर्चून फेवर्स दोज हु वर्क हार्ड, मीन्स भाग्य उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। तो आज जो हमने ग्रामर पैटर्न सीखा वो है वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अब्सेंट, मतलब कि सारे विद्यार्थियों में से एक जो विद्यार्थी है वो अनुपस्थित है, अब्सेंट है। और क्योंकि हम सारे विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का यूज हुआ है। अगर हम कहना चाहते कि सारे विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो हम कहते ऑल द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट, आर इज का प्लूरल फॉर्म होता है। तो आज हमने एक ग्रामर रूल समझा और एक बट का कंसेप्ट समझा कि उसको हम कब और कहाँ यूज करते हैं, और 10 रोज बोले जाने वाले वर्ड मीनिंग सीखे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।